भक्त साहेब भगत जी, दास की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भगत जी। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं मैं बन्ना जैसा जाट नहीं, तज नरसी वाले ठाठ नहीं मैं बन्ना जैसा जाट, मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया भक्ति की भिक्षा उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया, भक्ति की उम्मीद कटोरा ला। शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा बाल्मीक सा जप नहीं, शेख फरीद जैसा तप नहीं मेरा बाल्मीक जैसा तप नहीं, मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े सिर करवाया है भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा। सत कबीर तुम्हारी चिंता हमारी सारी हो जाएगी। ये ध्यान लगा कर जहाँ आशा तबाशा हुई मन कर्म वचन सुमरी असोई। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट की भावना में भावित रहता है अंत समय में उसी को प्राप्त होता है। जो भी जिस भाव में भावित रहता है, जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा या विष्णु वैसे जिसको इष्ट मानकर पूज रहे उसी के लोक में चले जाएंगे। वहां अपने पुष्पन समाप्त होते ही तुरंत संतरा शिला आ जाएंगे। जो ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म कहता है जो मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, 8वें अध्याय के 8 9 10 3 श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और भी बहुत से स्थानों पर जिसके विषय में जानकारी दी है उस तत्व ब्रह्म की साधना करता है। 8वें अध्याय के 3वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो ब्रह्म का तत् और सत्य सांकेतिक है, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के ये दास बताएगा। ये पूरा मंत्र 3 मंत्र का एक ही बन जाता है। पुरात्मा में ये सारा कुछ कथा सुनाकर आपके हृदय में विज्ञान फील करना है मेरा उद्देश्य। ये इधर उधर के लिए सारे कुछ लगा कर आपके हृदय में ये परमात्मा रह रहकर ऐसा ज्ञान बचा देना है कि आप परिणित ना हो जाए, उंगलियों का आपके वो ज्ञान समझ जाए बालक के लिए कबूल देता है। और ये ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं होती, अनपढ़ भी इस बात को समझ सकते हैं। वो कम से कम वो ढीठ इतने रखते हैं रह रहकर वो ज्ञान सुनेंगे। और वैसे तो आज कोई ऐसी स्थित रहा नहीं, ढूंढ जाते हैं पढ़ के
फिर भी कोई थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा जाता, अगर कमजोर होगी तो अपने बच्चा को पढ़वा सके, देखिए से प्रमोद जाएगा 23 मार्च रोज पढ़ कर सुनाइए, तो पढ़ सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, विश्वास कर सकता है। ऐसे ही काम बढ़ जाएगा। तो कहने लगा ये है कि वो उस परमात्मा की भक्ति करता है यानी उसमें भावित हो जाता है, उसके पास भक्ति के लिए भक्ति के बल से बोला यहाँ से जाना तो है ही, और ये हरदम गांठ मार ले तो लगी लगाई है, समझदार आदमी तो जल्दी समझ जाता है ये तेरा नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है, तुझे यहाँ पर काल ने भूल भुलैया में रखा हुआ है, भ्रमित कर रखा है, बका रखे, और इस भूल भुलैया को परमात्मा ना कह हमें बता भी रखा, तो फिर हम क्यों ना असर करें अपने मालिक की बात पर। अब जैसे वहाँ बोलने के लिए तुम्हें समझ जाना चाहिए कि क्या बताना चाहता है, किसके लिए वो सहन है, वो संकेत है, कहते हैं सबद सहन सतगुरु की पहचान की धर्मदास सबगती सेठ नहीं जीवा बताया कहा जाना है ये ध्यान रखना है, हमने सतलोक भाई परंतु भक्ति करो, भक्ति करके आस्था यहाँ से हटाओ, बीच घुमाया है भक्ति की आस्था कैसे हटेगी, मैं तो दुख याद करके दास मिले परमात्मा कहते आए हैं सो जाएंगे रास्ता, एक सिंहासन से चल जाएंगे तो परमात्मा के जाद में बैठ कर जाएंगे। अपराधी कौन है जो भक्ति में करते गीता जी गाजी ने 3-10 से 15 तक शपथ किया है कि जो परमात्मा ने तुम्हें नरक में दिया है जो और उसमें से तो दान नहीं करता युद्ध नहीं करता वो चोर है मालिक का, परमात्मा ने अपने निर्माण को कहते हैं जिन हल्के चोरी करो दो दान को भूल दो रुपया बाबू के लिए जिन हल्के चोरी की जो चोर है भगवान की भक्ति नहीं की दान धर्म किया नहीं तो वो राम नाम राम के गुण भूलिए भगवान के गुणों से अपरिचित रहे तो उसको परमात्मा ने बाबुल पक्षी बना दिया। एक बाबुल पक्षी होता है वो उसका दो पैर होते हैं, पैर दो ही होते हैं और ऊपर को वो कैसे बैठता वृक्ष पर नीचे लघु कर रखता है, ऊपर लटका रहता है पैरों से वो नीचे लघु और मुंह से वो खाता है मुंह से झटकी करता है उसको ऐसी सजा दे तो ऐसी ऐसी बनी उनको प्राप्त होगा। तो जब आदि ने उनको मिल कर दूर जमीनों से बांध कर ले जाएंगे सभी आए हैं सब जाएंगे राजा धन खपिए और एक सिंहासन चल हो जाते हैं कितना अंतर हो गया आप कर लेना आपको पता भी नहीं चल रहा मैं तो
Thank you.
भक्ति की रक्षा दे दीजो उम्मीद कटोरा चारों कक्ष मारे थे आदि में पुकारे थे ऐसा पुरुष आया कहता है गरीब दास दिल्ली मंडल को इलाज नहीं करूंगा ऐसा पुरुष आया कहता है गरीब दास दिल्ली मंडल को इलाज नहीं करूंगा सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कुछ पहले अपने काल जात गए कुछ जाई रोग शोक चल शिखर न रखे सम्मुख ना कह नाही है अग्नि तन निकट में आवे तुलिया तन जाई वीर बताल बाद न लागे जमके कोट डाई सतगुरु